तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो यहाँ पर मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ थोड़ी क्लास। तो हमारी जो ऑनलाइन क्लास स्टार्ट हो गई है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले सीखेंगे चड्डी किस तरीके से बनाते हैं। वैसे तो बहुत ही इजी है, पर जब हम पहली बार सिलाई क्लास चाहते हैं तो हमें यही सबसे पहले सिखाया जाता है। यहाँ पर मैं आपको कुछ टिप्स भी बता देती हूँ कि किस तरीके से हमें कटिंग करना है, ताकि आपको एक नॉर्मली पता चल जाता है कि हमें सिलाई किस तरीके से करनी है। तो यहाँ पर हम 5 साल के बच्चों के लिए चड्डी बनाना सिखा रहे हैं। तो हमने यहाँ पर ले ली है हाइट, हाइट मतलब लंबाई। हमने यहाँ पर ली है लंबाई 10 इंच, आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। प्लस हमने यहाँ पर किया है 2 इंच, उसके अंदर प्लस किया है तो हो गए 12 इंच। ओके, अगर आप चड्डी के अंदर इलास्टिक डालते हैं तो हमें 8 इंच कपड़ा ज्यादा लेना है। और यहाँ पर मैं आपको इलास्टिक वाली चड्डी सबसे पहले बता रही हूँ। तो इलास्टिक अगर हम चड्डी के अंदर डालते हैं तो हमें 8 इंच ज्यादा लेना होता है। तो यहाँ पर हमारे हिप की लंबाई है 26, हमने इसके अंदर प्लस किया है 8 तो हो गए 34। ओके, उसमें 4 का भाग देना है। 4 का भाग क्यों देना है, क्योंकि हम जो कपड़े को 4 फोल्ड करेंगे तो इसके लिए 4 का भाग देना है। अगर आप कपड़े को 3 बार फोल्ड करते हैं तो 3 का भाग देना होता है। तो यहाँ पर हम 4 का भाग इसलिए देंगे। तो हमने 34 के अंदर 4 का भाग देते हैं तो 8.5 इंच हमारा जो नाप है वो आ जाता है। ओके, तो आगे मैं यहाँ पे बता करके बताऊंगी तो आपको थोड़ा इजी लगेगा। तो यहाँ पर हमने पूरा कपड़ा ले लिया है 34 इंच। आप पूरा कपड़ा ओपन कर लीजिए पूरे कपड़े को, और उसके बाद उस कपड़े का नाप आप 34 इंच ले लीजिए, और लंबाई आप यहाँ पर 12 इंच ले सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से। अगर कपड़े को 1 फोल्ड करते हैं तो 17 और 17 आते हैं। अगर इसका 4 फोल्ड करते हैं तो 8.5, 8.5, 8.5, 8.5, 4 बार 8.5 आते हैं। तो यहाँ पर कपड़े को मैंने 4 फोल्ड कर लिया है। ओके, तो यहाँ पर ये है 8.5 इंच, और लंबाई जो है वो 12 इंच ही है, क्योंकि लंबाई के अंदर हमने कुछ भी फोल्ड नहीं किया है। अब हम लंबाई के अंदर फोल्ड करते हैं। यहाँ पर हमें लेना है 1.5 इंच, क्योंकि यहाँ पर हम डालेंगे इलास्टिक। ओके, तो 1.5 इंच का नाप लगा लीजिए और एक इस तरीके से मार्क कर लीजिए, ताकि आपको पता रहे कि इतना ही कपड़ा हमें फोल्ड करना है। ओके, 1.5 इंच यहाँ पे हो गया, और 0.5 इंच जो है नीचे की साइड हम फोल्ड करेंगे तो वहां पर हमारा 1.5 इंच चला जाएगा। तो ये 2 इंच तो कम्प्लीट हो गए, 1.5 और 0.5 कम्प्लीट। ओके, अब हमारे पास रहा यहां से यहां तक 10 इंच। ओके, 10 इंच को हमने आधा करना है तो 5 और 5। ओके, यहां से यहां तक 5 है तो हमें 5 के सेंटर पॉइंट में निशान लगाना है और हमें एक सीधी लाइन करनी है। ठीक है, अब मैं आपको यहां पर बता देती हूं, जहां पर हम जो पैर साइड होते हैं ना पैर, तो वहां पर हम गोलाई देंगे, तो उसके लिए आपको 8.5 में 3 का भाग देना है। आपको इस बात का ध्यान रखना है, इसमें 4 का भाग नहीं 3 का भाग देना है, यह आपको याद रखना होगा। अगर हम 8.5 के अंदर 3 को भाग देते हैं तो हमारे यहाँ पे आता है 2.25, 2 3/4, ये 4। ठीक है, तो 2.25 आता है। तो यहाँ पर देख, यहाँ पर हमने 3 भाग दे दिए हैं, 2.25, 2.25, 2.25। ओके, और यहां से हमें इस तरीके से गोलाई लेनी है। यह इसका कोई नाप नहीं है, बस इन दोनों के बीच में जो अंतर होगा वो 0.5 इंच का ही होगा। ठीक है, 0.5 इंच का अंतर होगा, और इस तरीके से आपको गोलाई देनी है। तो इस तरीके से आप बहुत ही इजीली सिलाई सीख सकते हैं। अगर आप हमारे साथ जुड़ते हैं तो आप सिलाई का कोर्स फ्री में कर सकते हैं। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक कर दीजिए। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कीजिए हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए, क्योंकि इस चैनल में फ्री में सिलाई कोर्स छोरी के साथ सिखाया जाएगा। तो यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आपका कोई डाउट है तो हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।